हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कि आपके फीमेल्स को जो हीट्स आती हैं उसके उस टाइम पे क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। एक्चुअली मेरे पास कमेंट बॉक्स में मैसेज आया था दिनेश भारद्वाज भैया का कि भैया हमें बताइए, उनके पास 4-4 मंथ्स की बीगल फीमेल है, तो हीट्स के टाइम पे क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और किस टाइम आती हैं और कितनी आती हैं, तो ये बताइए भैया का। मैं कमेंट बॉक्स का जो मैसेज है स्क्रीनशॉट पे लगा दूंगा, आप देखिएगा। और कोई भी किसी भाई बहन को डॉग्स के रिगार्डिंग कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी आपके बारे में वीडियो बनाने की, आपके टॉपिक पे वीडियो अपडेट करने की। चलो वीडियो अभी शुरू करते हैं। आज जब भी आप अपने घर पे फर्स्ट टाइम फीमेल लेके आते हैं तो हरदम ये एक बात हरदम ध्यान रखें कि आपको अपनी फीमेल को कभी भी चिकन वगैरह एग्स वगैरह ये ना दे। हरदम कोशिश करें ठंडा खाना खिलाने की। ठंडा खाना मतलब कि आपको दही दीजिए, आप लस्सी दीजिए, पनीर दीजिए। अगर वेजिटेबल्स में देना है तो आप खीरा वगैरह इस टाइप की चीजें दे सकते हैं, और कोई भी चीजें दीजिए बट वो मीठी नहीं होनी चाहिए, चटपटी नहीं होनी चाहिए। तो आदम इस तरीके के अपने डॉग्स को आप अपनी चीजें दे सकते हैं फीमेल को। ठंडी चीज देने से यह फायदा होता है कि आपकी फीमेल काफी लेट में, ठंडी चीजें देने से एक फायदा होता है कि आपकी फीमेल काफी लेट में हीट पे आती है, काफी देर में हीट पे आती है, सही टाइमिंग से आएगी। अगर आप गर्म फीड दोगे, एग्स दोगे, चिकन अपनी फीमेल को दोगे तो उसमें क्या होता है उस कंडीशन में कि आपकी फीमेल जल्दी हीट पे आ जाती है और वो सफिशियंट नहीं होता है ज्यादा अच्छा। तो इसलिए कोशिश करें अपनी फीमेल को ठंडा खाना, ठंडी तासीर का खाना ज्यादा से ज्यादा प्रोवाइड करें। उससे आपको एक फायदा होगा कि आपकी फीमेल की जो एक हीट होगी, जो गंदगी निकलेगी वो कम से कम निकलेगी, और जिस टाइम पे भी आपके निकलती है तो फीमेल की आपको लगता है कि आपकी फीमेल अब हीट पे है या गंदगी डाल रही है, तो हरदम ध्यान रखें कि उसको एग्स वगैरह उस टाइम पे जरूर खिलाएं जिससे जो भी गंदगी है वो पूरी की पूरी बाहर निकल जाए, बीच में ना रहे। तो और ये हो गई आपको खाने के रिगार्डिंग क्या क्या आपको अपनी फीमेल को खिलाना चाहिए। आप फीमेल किस टाइम तक हीट तक आते, फीमेल नॉर्मली आती है 7 से 8 मंथ तक हीट पे आ जाती है। कोई कोई कंडीशंस में ऐसा होता है कि फीमेल 1 ईयर्स तक भी चली जाती है, 11 मंथ्स 1 ईयर्स तक चली जाती है। और आपकी फीमेल अगर 1 ईयर्स के बाद भी कभी भी फीमेल हीट पे आती है फर्स्ट टाइम, तो उस टाइम पे अगर आप चाहो आपकी फीमेल एकदम एक्टिव है, हेल्थी है, कोई इश्यूज नहीं है, तो आप अपनी फीमेल को मीट भी करा सकते हो। अदरवाइज ट्राई कीजिए कि आप नेक्स्ट टाइम में अपनी फीमेल को मीट कराए। तो ये कुछ चीजें होती हैं। और स्मॉल ब्रीड्स में ये होता है कि स्मॉल ब्रीड्स की ज्यादा गंदगी नहीं निकलती है, वो फीमेल आपने अपने आप ही खुद मैनेज कर लेती है, कुछ ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती। आप ये देख सकते हैं मेरी चीनो को मैं नॉर्मली ज्यादा कोशिश करता हूँ ज्यादा ज्यादा इसको ठंडा खाना देने के लिए, और नॉर्मली चीनो भी 8 मंथ्स के अराउंड मेरे ख्याल से हो गई है। अभी तक ये फीमेल मेरी चीनो अभी तक हीट पे नहीं आई है, पर ये अपना आएगी टाइम से, इसलिए मैं ठंडा खाना देता हूँ ताकि फीमेल जितनी जल्दी हो जितनी लेट में हीट पे आए तो उतना ही अच्छा रहता है, उतनी ही हेल्थ अच्छी रहती है, ग्रोथ अच्छी होती है। चीनो की हेल्थ भी काफी अच्छी है, देख सकते हैं फूल एकदम मस्कुलर है, जो खाती है सब खा लेती है जो मिलता है इसको। तो इस तरीके से आप रखिए। और किसी भाई बहन को कोई भी डॉग्स के रिगार्डिंग कुछ भी प्रॉब्लम हो अर्जेंट तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और स्मॉल ब्रीड्स में इतने ज्यादा इश्यूज नहीं होते हैं, इसलिए आप अपने स्मॉल ब्रीड्स को लेकर ज्यादा कभी भी चिंता ना करें। कुछ दिनों की बात होती है तो उस टाइम पे ये दौरान पे हरदम ये ध्यान रखें कि आपकी फीमेल्स आपके बेड वगैरह पे ना चढ़े, जिसकी वजह से थोड़ा गंदगी उस पर लग सके। ये हरदम चीजों को ध्यान रखिए और आराम से फीमेल को रखिए, कोई इश्यूज नहीं होते हैं, आराम से हैंडल हो जाता है। और किसी भाई बहन को किसी चीज पे कोई प्रॉब्लम हो या आप चाहते हो मैं आपके किसी टॉपिक पे वीडियोस बनाऊं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बता सकते हो, तो मैं ट्राई करूंगा जल्दी जल्दी उस टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए। आपके भाई का थोड़ा शेड्यूल थोड़ा काफी बिजी रहता है, इस वजह से वीडियो ज्यादा नहीं बना पाता हूँ, बट आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके जरूर बताएं आप चाहते हो कि मैं और वीडियोस बनाऊं किसी टॉपिक पे। अगर किसी को ज्यादा प्रॉब्लम्स है तो आप वो मुझे कॉल भी कर सकता है या तो व्हाट्सएप मैसेज करके मुझे बता सकता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई का चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।